हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पैक करने वाले हैं अपना मेकअप एंड अपना स्किन केयर फॉर अ वीक वेकेशन। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अपने नेटिव प्लेस फॉर 7 डेज एंड विंटर का टाइम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो फटाफट से पैक करते हैं एंड मैं इसमें अपना सारा मेकअप एंड स्किन केयर पैक करने वाली हूँ। कुछ ज़्यादा है नहीं, इट्स जस्ट अ 1 वीक वेकेशन। तो उतने से के लिए विल स्टार्ट फटाफट से। फर्स्ट मैं यूज़ करती हूँ निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र इसके लिए, तो ये मैंने रखा। देन सेकेंड इज़ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन, एक फंक्शन है एक्चुअली छोटा सा मेरे सिस्टर के घर पे, तो मुझे वहाँ जाना है इसीलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा कलर फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो ये एक फाउंडेशन है जो मैंने रखा है अपने लिए। देन फॉर अ कॉम्पैक्ट आई यूज़ दिस लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर, रेडियंस कॉम्पैक्ट। ओके, तो और इसका शेड है नेचुरल पर्ल, तो ये मैंने अपना रख लिया है कॉम्पैक्ट। देन फॉर श्योर निविया रोल ऑन, ये तो होना ही चाहिए, पर्ल एंड ब्यूटी का है ये, निविया रोल ऑन डिओड्रेंट है। ओके, सो ये। देन नेक्स्ट इज वाइट टोन की एक क्रीम है, दिस वाइट टोन, तो ये मैंने रख ली है। एंड नेक्स्ट इज़ मस्ट, अगर मैं ट्रेडिशनल वेयर कर रही हूँ तो दिस बिंदी स्मॉल साइज मरून कलर की इज़ मस्ट। बिना इसके कोई भी लुक पूरा नहीं होता। जस्ट अप्लाई लिपस्टिक एंड दिस स्मॉल सी बिंदी एंड यू विल लुक गॉर्जियस। तो ये मस्ट है मेरे लिस्ट में। नेक्स्ट है ये कड़े जो कि हैं ऐसे, जिनमें छोटे छोटे से पर्ल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है। इसको मैं किसी भी बैंगल्स के साथ या फिर ओनली कड़ा सिर्फ स्टाइल कर सकती हूँ। तो अगर बाय चांस मैंने वहाँ ट्रेडिशनल पहना ड्रेस लहंगा या समथिंग लाइक दैट, तो मैं ये वहाँ पे यूटिलाइज कर सकती हूँ। वैसे तो बहुत ठंड है, मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी ऑन जैकेट्स एंड शॉल कैप एवरीथिंग, तो आई डोंट नो ये पहनने का मौका मिलेगा कि नहीं, पर मैं रख लेती हूँ, शायद मिल जाए। नेक्स्ट मेरा फेवरेट लिप बाम जो कि विंटर्स के लिए बहुत परफेक्ट है, ये है, मैंने लिया था जूडियो से एंड इट वाज फॉर आई थिंक 49 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर प्राइस। एंड इसका फ्लेवर है बबल गम लिप बाम, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, मैंने बहुत यूज़ भी किया है, तो ये विंटर्स के लिए मस्ट है। नेक्स्ट मुझे रखने हैं लिपस्टिक्स जिनमें कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कौन से शेड्स दूँ कौन से नहीं। तो विच आई हैव इज़ ये दो शेड्स हैं मेरे पास, एक पिंक में है एंड एक न्यूड में है, जो कि है फ्रॉम माई ग्लैम। एंड इसका शेड नंबर आई डोंट नो, इसमें मेंशन नहीं है, तो मैं इन दोनों को लेके अभी तक श्योर नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं लेने वाली फॉर श्योर। एंड नेक्स्ट इज़ आई हैव दिस कलेक्शन फ्रॉम इनसाइट, ये सारी इनसाइट की लिपस्टिक्स हैं। बेसिकली ये न्यूड शेड है, मैंने ऑफिस के लिए यूज़ करती हूँ। दिस इज़ इनसाइट 26 एक्सपोज, बहुत अच्छा कलर है ये, तो दिस आई कैन वेयर फॉर डेली यूज़ के लिए। एंड नेक्स्ट ये इनसाइट का है नॉन ट्रांसफर प्रूफ 12 इन रेड रूम, ये रेड रूम है, ये भी बहुत अच्छा कलर है। नेक्स्ट इज़ ये भी न्यूड शेड में है, काइंड ऑफ ब्राउन लाइट, एंड ये है 27 वेलवेट रोज। एंड नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल रेड पिंक शेड मिक्स वाला 09 ब्रेव। एंड नेक्स्ट जो है वो है ये भी कुछ रेड मरून का शेड है, जो कि है फ्रॉम जूस मैट लिप टिंट, जिसका शेड है M22 जूसी मैट, तो विल थिंक ऑन दिस। एंड नेक्स्ट ये एक लोकल ब्रांड था मैट लिप ग्लॉस, आई डोंट नो, बट दिस इज़ वेरी नाइस, एकदम परफेक्ट रेड शेड, यस। सो इनमें से विल कीप दिस रेड एंड दिस पिंक एंड रेड का शेड, एंड विल कीप ये दोनों इनसाइट वाले फॉर डेली यूज़, बिकॉज ये बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, ऑल डे स्टे करते हैं, तो ये चार शेड्स मैं ही लेने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ अगर इफ़ यू वॉन्ट टू नो अभी मैंने कौन सा शेड अप्लाई किया है, सो इट्स फ्रॉम L18 एंड द शेड इज़ B41 चॉको बाइट, सो दिस इज द शेड। ओके, नेक्स्ट विल कीप दिस सिंपल लाइनर ब्लैक कलर का, दिस इज फ्रॉम लोकल मार्केट। एंड
नेक्स्ट इज दिस स्पंज, दिस इज नीडेड एंड दिस स्पंज फॉर कॉम्पैक्ट इफ बाई चांस नीडेड, तो ये दो रख रही हूँ मैं। एंड बहुत सारे क्लिप्स, सेफ्टी पिंस एंड बॉबी पिंस, ये सारी चीज़ें मस्ट हैं, तो ये सब जाएगा इसमें। एंड सो आफ्टर दिस बॉक्स इज रेडी ऑलमोस्ट फुल, इसमें कुछ और अगर नीडेड होगा मुझे लास्ट में तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। सो इट्स टाइम फॉर ज्वेलरी एंड आई हैव दिस बॉक्स फॉर ज्वेलरी, प्लास्टिक का है। सो आई एम लिटरली अ वेरी बिग झुमका लवर, सो मेरे कलेक्शन में झुमका तो होने ही वाले हैं। सो लेट्स चेक फटाफट से झुमके झुमके के मैंने ऑलरेडी सब निकाल के रखा हुआ है, मुझे जस्ट फटाफट से पैक करना है। एंड वील स्टार्ट विथ दिस, दिस आर द सिल्वर कलर के झुमकास विच गो विथ एनी आउटफिट, लिटरली एनी। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेक। सो सेकेंड झुमकास आर दिस, मरून शेड में है, बहुत सुंदर है, मरून एंड गोल्डन लाइक दिस। सो ये है, सेकेंड इज दिस, मैं इसमें ऐड करते जा रही हूँ। एंड थर्ड जो है वो मेरे मोस्ट फेवरेट है, सो कुछ ऐसे टाइप के हैं एंड दे आर लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। एंड इनमें संस्कृत का कोई तो श्लोक लिखा हुआ है, आई डोंट नो कौन सा है, बट दोज आर लव, आई लाइक देम। एंड द नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, ये सिल्वर कलर के हैं लाइक दिस, देखो जितने सुंदर हैं उतने ही हैवी भी हैं, सो यू कैन सी बहुत सुंदर हैं। तो एक ये है, नेक्स्ट एक सेट है मेरे पास जो कि है मांग टीका एंड इयर रिंग्स का सेट लाइक दिस विच आई बॉट फ्रॉम लोकल मार्केट फॉर 150 समथिंग, तो ये गोल्डन में है। एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस एज वेल विथ मी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे नेक पीस वेयर नहीं करना होता है, तो आई लिटरली वेयर जस्ट इयर रिंग्स एंड मांग टीका एंड वी आर गुड टू गो, तो दिस इज मस्ट। नेक्स्ट इज, ओ माई गॉड, दीज आर वेरी नाइस, दिस आर दिस इयर रिंग्स कांच वाले एंड घुंघरू भी बचता है इसमें, इफ यू कैन हियर, ये बहुत अच्छे हैं, आई कैन वेयर दिस ऑन एनी कुर्तीज, सो यस बिग यस। एंड आई हैव फ्यू इयर रिंग्स विच विल गो ऑन वेस्टर्न क्लॉथ्स आई थिंक, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस, दिस आर लाइक दिस, कॉपर कलर के हैं, थोड़ा जंक फॉर्म में है एंड रेड कलर का स्टोन है, एंड दिस आर ऑल्सो सेम लाइक दिस। सो मैं ये दो सेट कैरी कर रही हूँ इफ मुझे ज़रूरत पड़ी बाय चांस तो। एंड द लास्ट वन इज ग्रे वन, दिस लाइक दिस, कुछ ऐसा ट्रायंगल लीफ शेप में है एंड लाइक दिस, दे ऑल्सो लुक वेरी क्यूट, सो आई एम टेकिंग दिस। और यस, सो ज्वेलरी, फॉर ज्वेलरी वी आर डन एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस रिंग, सिल्वर कलर का ऐसे कुछ रस्टेड रिंग है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू वेयर दिस और नॉट, बट विल कीप इट, यू नेवर नो। सो दिस इज द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी एंड दिस इज द बॉक्स ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर एसेंशियल, अब इसमें ऐड करने कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं, विल ऐड एंड विल लेट यू नो। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।